चलिए तो सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। में उसका प्रावधान किया गया है। मित्रों, प्रदेश ने ये जो अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के दायरे को बढ़ाया है, उसको विस्तार दिया है। इसके लिए हम लोगों को अनेक कदम उठाने पड़े। प्रदेश में कर चोरी को रोकना पड़ा, वित्तीय अनुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को प्रदेश के अंदर कैसे लागू किया जाए, इसमें शासन प्रशासन स्तर पर और हर एक स्तर पर, हर विभागीय स्तर पर इस पर कार्य हुआ। आज उसका परिणाम है कि जहां 2016-17 में राजस्व कर जो प्रदेश को केवल 86,000 करोड़ रुपए का प्राप्त होता था, वह आज 2022-23 के अंदर, यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत में, मार्च 2023 में जब हम लोग अपने राजस्व कर को देखेंगे, तो ये 2,86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2,20,000 करोड़ रुपए को पार कर रहा होगा। प्रदेश में 2016-17 में जो सेल टैक्स और वैट से कुल लगभग 51,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती थी, आज सेल टैक्स और वैट नहीं बल्कि जीएसटी है, जीएसटी के माध्यम से यह राशि बढ़कर के 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष के अंत में। स्टेट एक्साइज में जो 2016-17 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, आज ये 22-23 में 45,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। और ये तभी संभव हो पाया जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजस्व कर को, कर की चोरी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए और राजस्व संग्रह की व्यवस्था को अत्यंत ही पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया। उसके कारण ये प्रदेश के अंदर हो पाया है। ये आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर जो भी संभव हो पाया है, या इस बार के टैग उसमें भी आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है, इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई, आम जनमानस को राहत मिला। लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है कि प्रदेश ने जो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश है, और जो हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है, उसने प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफल हुआ है। ये विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें प्राप्त की हैं। प्रदेश के अंदर आज के इस बजट में जो चीजें आप देखते होंगे, बहुत सारी चीजों की घोषणा इसमें आज यहां पर हुई है। वित्तीय अनुशासन का पूरा पालन किया गया है। उसमें पूरे बजट में अगर आप देखेंगे, कुशल वित्तीय प्रबंधन की झलक आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखा गया है। एफआरवीएम एक्ट के अंतर्गत प्रदेश के अंदर जो राजकोषीय जो घाटे का जो निर्धारित सीमा है, वह 3.5% से कम करके वह 3.24% तक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और यह प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। बजट के अंदर जो कुछ और चीजें महत्वपूर्ण है, वह है 2016-17 में बजट का जो आकार था, वह स्वयं के कर का जो उसमें रेशियो था, वह केवल 33% था। यानी जो हमारा स्वयं का
रेवेन्यू प्रदेश के अंदर था उसमें केवल बजट में 33% वो योगदान दे पाता था, शेष ऋणों के माध्यम से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भरता के माध्यम से ही हम करते थे या फिर उसके बारे में कोई भी हम साइलेंट रह पाते थे। इसका मतलब ये सब कुछ घोषणाएं झूठी थी। लेकिन आज जो भी हम कर पा रहे हैं, बजट में दोगुने से अधिक बजट होने के बावजूद बजट को हम लोगों ने लगभग 45-46% जो भाग है वह स्वयं के राजस्व से आज प्रदेश प्राप्त कर रहा है। राज्य सरकार का यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन और राजस्व चोरी रोकने के परिणाम स्वरूप आज एक बजट का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से वहन कर रही है। 16-17 में 20% से अधिक वित्त पोषण ये ऋणों के माध्यम से होता था, लेकिन आज 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें मात्र 16% ही ऋण के माध्यम से रह गया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 16-17 में 8% जो बजट था वह पुराने ऋणों के भुगतान में खर्च होता था और आज बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण मात्र 6% जो बजट का भाग है वही हम पुराने ऋणों के को वहन करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर इस दौरान अगर आप देखेंगे कि बेरोजगारी की दर के बारे में भी आज सदन के अंदर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी बहुत स्पष्ट घोषणा की कि 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था ये 17-18% था, आज ये मात्र 4% रह गया है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ी, नए रोजगार सृजित हुए, सिक यूनिट को खासतौर पर एमएसएमई यूनिट जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश का एक बड़ा आधार था उसको पुनर्जीवित किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित किया और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए हम लोगों ने केंद्र से जुड़ी हुई इन तमाम योजनाओं को लागू करने का परिणाम क्या था, उत्तर प्रदेश का सीडीओ रेशो बेहतर हुआ है। जो 16-17 में मात्र 46% था आज वो 55% हो रहा है। यह प्रदेश के अंदर की वर्तमान की वित्तीय स्थिति को भी दिखाता है और साथ साथ अगर आप देखेंगे 12-17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल 5,90,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित हुए थे और 17-22 के बीच में यहां पर उद्यमियों ने, कृषकों ने, अलग अलग एमएसएमई सेक्टर ने जो यहां पर उन्हें ऋण वितरित किए गए वह लगभग वह 9,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। और ये अगर आप इस वित्तीय वर्ष में देखेंगे इसकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है और इसे हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे आज के इस बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनमें मुख्य रूप से प्रदेश के अंदर एक बड़ा भाग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर धनराशि खर्च होगी जो प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। हमारे पास पहले से ही 5 एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में है। वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की भी घोषणा यहां पर आज की है और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए 4 क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, 2 औद्योगिक क्लस्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विकसित करने के बारे में भी आज यहां पर बजट का प्रावधान किया है, उसकी घोषणा भी की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी
यहाँ पर औद्योगिक गलियारा के लिए उसकी घोषणा यहाँ पर आज हुई है। प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए अन्नदाता किसानों के बारे में जो हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भी बात की थी, इसे निजी नलकों से जुड़े हुए जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, उन्हें हमने पिछले बजट में विद्युत बिल में 50% की छूट दी थी। आने वाले समय में हम उन्हें व्यवस्थित तरीके से 100% छूट देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया है। बुंदेलखंड में भारत सरकार और जर्मनी की सरकार की सहायता से एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के लिए भी यहां पर प्रदेश के अंदर इस बजट में इसका प्रावधान करने का कार्य किया गया है। प्रदेश के अंदर अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने और फिर अयोध्या की तर्ज पर प्रदेश के सभी नगर निकायों को, खासतौर पर जो हमारे 17 नगर निगम हैं, इस नगर निगम को भी उन्हीं तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, जिससे हम लोग प्रदेश में नेट जीरो की तरफ जा सके। हमारे शहर, आपने देखा होगा पिछली बार हम लोगों ने जब 2017 में आए थे तो कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी उन्हें एलईडी स्ट्रीट लाइट में हम लोगों ने ईएसएसएल के साथ मिलकर के बदला था। आज आप देखते होंगे कि इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था प्रदेश के अंदर। एक सभी सिटी, आज जितने हमारे नगर निकाय हैं उनमें स्ट्रीट लाइट दर्शनीय भी है और साथ साथ वहां पर बिजली भी कम खर्च होती है और जितनी भी सोलर लाइट बदली गई, जितनी भी वहां पर स्ट्रीट लाइट बदली गई थी, उस स्ट्रीट लाइट पे शासन को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा था। वो सारा पैसा भारत सरकार की संस्था ईएसएल ने मिलकर के उस पैसे को वहां पर जितनी भी वहां पे हेलोजन लाइट थी, अन्य स्ट्रीट लाइट थी, उसे बदल करके एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में उसे बदला था। बदले में उसने एक एमओयू किया था कि अगले 7 वर्ष तक हम इसकी रख रखाव करेंगे और जो विद्युत की बचत होगी उसी में से वह अपना पैसा भी लेंगे। ये एक मॉडल यहाँ पे लागू किया गया था, आज जो प्रदेश के अंदर जारी है। सोलर सिटी हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करने के साथ साथ जो आज दुनिया के अंदर नेट जीरो की बात की जा रही है, इस दिशा में आगे बढ़ाने की एक शुरुआत अयोध्या से सोलर सिटी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे और 2 वाराणसी और गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ, ये यहां पर पूरी तरह यहां पर क्रियाशील थे। आज हम 9 एयरपोर्ट को पूरी तरह क्रियाशील कर चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, 3 एयरपोर्ट वर्तमान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं, 9 अन्य एयरपोर्ट पे यहाँ पे प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर के अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट होंगे जो पूरी तरह क्रियाशील होंगे और इस पर राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है, उसको हम भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी इस बजट में इसका प्रस्ताव यहां पे प्रस्ताव किया गया है। और प्रदेश के अंदर परिवहन निगम का बेड़ा, आप हम सब जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन लगा था, बड़े पैमाने पर प्रदेश के कामगार और श्रमिक अपने राज्य के लिए आने के लिए मजबूर हुए थे, उस समय परिवहन निगम की बसेज के माध्यम से ही हमें उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में हमें मदद मिली थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी कुंभ को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 22-23 में 200 करोड़ रुपए नई बसेज के क्रय के लिए व्यवस्था परिवहन निगम के लिए की थी। 23-24 में परिवहन निगम की 1000 नई बसेज के लिए भी बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवहन निगम के बस स्टैंड के लिए
100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और प्रदेश ने जो अपनी ईवी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रदेश के अंदर लागू की है उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। प्रदेश के अंदर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों को ब्रिजेज के निर्माण के लिए, सड़क और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उनके अनुरक्षण के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये प्रदेश के अंदर अन्य ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों के निर्माण के लिए भी 1525 करोड़, रेलवे उपरिगामी सेतु के लिए 1700 करोड़ रुपए और अन्य सेतुओं के निर्माण के लिए भी 1850 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। राज्य मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2588 करोड़, प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 2538 करोड़, प्रमुख धर्मस्थलों पर जाने वाले सड़कों को के मार्गों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए, राज्य सड़क निधि से अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपए, औद्योगिक और जो हमारे लॉजिस्टिक पार्क हैं उनको 4 लेन की कनेक्टिविटी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और इसमें एक नया मत उसमें जोड़ा गया है कि गन्ना विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी सड़कें थी अब पीडब्ल्यूडी उनका अनुरक्षण करेगा और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी बजट में आज की गई है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति आज घोषित की गई है, वह है मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना। इसमें प्रदेश के अंदर इस वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए यह कार्रवाई प्रदेश के अंदर यहां पे प्रारंभ होगा। इसके अलावा झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भी व्यवस्था आज इस बजट में की गई है जिसके लिए इस बजट में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1200 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और प्रदेश के अंदर जो सिक यूनिट हमारी हैं, खास तौर पर कताई मिल्स हैं, स्टेट यार्न यूनिट हैं, स्टेट स्पिनिंग जो मिल्स हैं, राज्य वस्त्र निगम से जुड़ी हुई जो मिल्स हैं, जो एक प्रकार से बंदी के कगार पर हैं, उन सभी को हम नए औद्योगिक क्लस्टर वहां पे विकसित कर सकें, नई औद्योगिक इकाइयों को विकसित कर सकें, इसके लिए एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है। और इसमें हम वहां पर जो कर्मचारी पहले से वहां पे कार्यरत हैं उनके देय भुगतान के बारे में भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। प्रदेश के युवाओं के तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की जो व्यवस्था की गई है, हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 20 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए हैं। पिछले बजट में हम लोगों ने प्रदेश के अपने युवाओं के लिए जो व्यवस्था की थी 1700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी जिसके तहत 20 लाख युवाओं को हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। इस बार के इस बजट में हम लोगों ने 3600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है जो उत्तर प्रदेश के यूथ को प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन ये स्नातक और प्रस्नातक युवाओं को इस सुविधा हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं और अगले 5 वर्ष में कुल 2 करोड़ युवा को हम इसके साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रदेश में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए मैं निजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में निवेश उसमें उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी 500 करोड़ रुपए का एक व्यवस्था की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी इसमें 275 करोड़ रुपए का प्रावधान है और भारत सरकार की विशेष सहायता प्राप्त योजनाओं के वित्तीय में जिसमें जनपद स्तर पर यूनिटी माल का इसकी स्थापना होनी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके डिस्प्ले के लिए यूनिटी माल बनेंगे उसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो हमारे परंपरागत उद्यमी हैं, कारीगर हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण टूल किट उपलब्ध कराना, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। तो प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने विशेष प्रावधान किया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17-18 में प्रदेश में हमारा जो कुल निर्यात होता था वह मात्र 88,000 करोड़ रुपए के बीच में था, आज वह बढ़ करके लगभग 1,60,000 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री एक नई योजना इसमें हमने चलाई है, एमएसएमई सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उद्यमी हैं या जो वहां कारीगर हैं, उनको सुरक्षा बीमा का कोई कवर नहीं था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना हम इस बार उसको लागू कर रहे हैं, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। अगर किसी आपदा के कारण, किसी दुर्घटना के कारण उस उद्यमी की, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाली किसी उद्यमी की, किसी कारीगर की, किसी हस्तशिल्पी की दुर्भाग्य से मौत होती है तो 5,00,000 रुपए की बीमा कवर उसे देने का कार्य किया जाएगा, और इसको लेकर के हम लोगों ने कार्य पर इसमें बजट में उसका प्रावधान किया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए भी प्रदेश के अंदर इस बजट में इसका प्रावधान किया गया, इसमें बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अंदर नई स्टार्टअप नीति के बारे में, आईटी सेक्टर में इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप सीट कैपिटल के लिए भी बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अमरोहा, बागपत, अमेठी, संबल, हापुड़ जनपदों में और वाराणसी और चंदौली में भी हम लोगों ने जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमता विकास केंद्र की स्थापना के लिए भी इसमें बजट का प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर यह वर्ष हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिलेट वर्ष के रूप में घोषित हुआ है, जो मोटा अनाज है, श्री अन्न के रूप में जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने एक नया संबोधन दिया है, सुपर फूड के रूप में प्रधानमंत्री जी ने अपने यहां पर जीआईएस के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस रूप में एक नामकरण भी दिया था। प्रदेश के अंदर मिलेट वर्ष के अंतर्गत मिलेट पुनरुद्धार योजना के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस वर्ष हम लोग नए 5 विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थान खोलने जा रहे हैं, जिनमें कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी है। 3 अन्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय जिन कमिश्नरी में अब तक कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, खासतौर पर मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी के नाम पर, देवीपाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी के नाम पर, और मुरादाबाद, ये 3 कमिश्नरी हमारी थी जहां पे कोई भी राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार के स्तर पर नहीं था, वहां पर ये व्यवस्था की जा रही है। और कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय इसके साथ प्रस्तावित किया गया है। और प्रदेश के अंदर फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो अपार संभावना है, इसके लिए भी एक विश्वविद्यालय के समकक्ष इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए भी बजट में उसका प्रावधान प्रदेश के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने औद्योगिक निवेश और एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछले 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ध्यान दिया, प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए भी काफी प्रावधान किए। अगर आप देखेंगे 2017 से ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी ला करके मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त करके किसानों से सीधे क्रय करना प्रारंभ किया, धान का, गेहूं का, दलहन का, तिलहन का, मकई का, इस सभी चीजें हम किए और बीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे दिए। प्रदेश के अंदर 1,97,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का पिछले 6 वर्ष के अंदर भुगतान भी कर चुके हैं। चीनी मिलें जो बंद हो रही थी वह फिर से चलनी प्रारंभ हुई हैं, और कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने उसको चलाया है। परिणाम है उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर पिछले
छह वर्ष में 3% से अधिक बढ़ी है, लेकिन इसे डबल डिजिट में ले जाना है, उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को हम और तेजी से आगे बढ़ा सकें, एफपीओस के गठन के साथ साथ एग्री स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है, और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एग्रीटेक स्टार्टअप और इंक्यूबेटर सेंटर के लिए भी एक विशेष प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ साथ यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र जो 9 प्रदेश के अंदर क्लाइमेटिक जोन है उनमें कृषि विज्ञान केंद्रों को भी हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करेंगे। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हनी योजना सहारनपुर में स्थापित करने के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था है, और प्रदेश के अंदर जो हमारे निराश्रित गोवंश है ये 3 प्रकार की योजना राज्य सरकार इसमें पहले से संचालित कर रही है। एक निराश्रित गोवंश जो शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर के माध्यम से संचालित है, 10 लाख से अधिक गोवंश उसमें है। दूसरी है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, जिसमें प्रदेश के अंदर उन सभी किसानों को जो किसान अपने यहां गोवंश को लेकर के उनकी देखभाल कर सकता है उन्हें 4 गोवंश तक हम अनुमन्य करते हैं, और हर गोवंश का 900 रुपये हर महीने उसे उपलब्ध कराते हैं। तीसरी है सुपोषण योजना के अंतर्गत उन कुपोषित परिवारों को जहां कोई मां या कोई बच्चा कुपोषित है उन्हें निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक ब्याही हुई गाय उन्हें उपलब्ध करवाते हैं और 900 रुपये हर महीने उपलब्ध करा रहे हैं। 15,000 से अधिक परिवारों को अब तक ये सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो ये 3 प्रकार की योजनाएं हैं। निराश्रित गोवंश के अनुरक्षण के लिए 750 करोड़ रुपए का भी व्यवस्था इसमें की गई है, और साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ये जो निराश्रित गोवंश है उनके लिए नए गौ आश्रय स्थल बनाने के लिए भी 120 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था इस बजट में ये व्यवस्था भी की गई है। डेयरी सेक्टर में प्रदेश के अंदर अपार संभावना है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के अंदर दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति के लिए 25 करोड़ रुपए का एक व्यवस्था की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत 61 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 10 करोड़ और निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के लिए 5 करोड़ रुपए की बजट का भी व्यवस्था इसमें प्रदेश के अंदर की गई है। कृषकों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें अब तक केवल किसान जिसके नाम पे खेती होती थी वह केवल किसान ही उसके दायरे में आता था, अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार के सदस्य, इसके साथ साथ वो खेतीहर मजदूर जो अब तक खेतीबाड़ी तो करता था लेकिन अगर किसी आपदा का शिकार होता था वह उसके दायरे में नहीं आता था, राज्य सरकार ने उसका विस्तार किया है, और 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को किसी भी प्रकार की आपदा में एक सुरक्षा बीमा का कवर उन्हें देने का कार्य किया है। मित्रों, ईज ऑफ लिविंग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 52 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध देने की कार्रवाई संपन्न हुई है, और इस बजट में भी 7,508 करोड़ रुपए जो विगत वर्ष बजट में व्यवस्था थी उसके सापेक्ष इस बार 10,202 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव इसमें किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर जो छोटी छोटी जातियां थी जिनकी कोई वाइस नहीं थी,
मुसहर, बंटागिया, कोल, थारू, चेरो, सहरिया, इन सभी उन जातियों को जो कोई पहुंच नहीं थी उनको भी इन सुविधाओं के साथ जोड़ने, कुष्ठ रोगियों को, इन सभी को इसके साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने के लिए भी 1203 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे इन्हें भी काफी बड़ी संख्या में आच्छादित किया गया। जो बच्चे हैं उनको हम लोग इसको करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सभी सदस्यों को जो मिलने वाली राशि 3 करोड़ की राशि मिलती थी उसको बढ़ोतरी करके 5 करोड़ का प्रस्ताव भी इसमें किया गया है। यह सभी माननीय विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को ही प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए भी 85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण सचिवालय का निर्माण हो सके और तकनीक के माध्यम से गांव की नागरिक को गांव में ही सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर ग्राम सचिवालयों का निर्माण किया जा रहा है। 750 बहुउद्देश्य पंचायत भवनों के निर्माण के लिए भी इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर जन सुविधाओं के विकास और अंत्येष्टि स्थलों के लिए भी बजट का प्रावधान इसमें किया गया है और एक नई स्कीम इसमें लागू की जा रही है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, जिसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो प्रवासी नागरिक है उत्तर प्रदेश का, वो अगर अपने ग्राम पंचायत में अपने किसी पूर्वज के नाम पर कोई निर्माण कार्य कराना चाहता है, कोई बहुउद्देश्य भवन बनाना चाहता है, कोई कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता है, कोई लाइब्रेरी बनाना चाहता है या किसी अन्य निर्माण कार्य के लिए, तो उसमें इस योजना के अंतर्गत हम उसे जोड़ रहे हैं और इसके माध्यम से फिर हम उसे एक स्थान देंगे और उसके साथ एक MOU करते हुए उसका उपयोग ग्राम पंचायत कर पाएगी और गांव के विकास में प्रवासी नागरिकों की भूमिका को भी हम इसके साथ जोड़ पाएंगे। योजना हम लागू करने जा रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर घर नल, आप सब जान सकते हैं कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ ये आच्छादन की प्रक्रिया बढ़ रही है। हमारा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में हम 1 करोड़ से अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने में समर्थ हो जाएंगे, 1 करोड़ परिवार तक। आप इस बजट में जल जीवन मिशन के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, एक बड़ी राशि इसके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। जल संरक्षण के लिए भूजल स्तर के मापन और उन्हें पूर्व में स्थापित जो पोजीमीटर थे वहां पर डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर की स्थापना हेतु हम 23-24 में उसकी एक व्यवस्था प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं, जिसमें नवीन डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर की स्थापना के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जा रहा है। उत्तर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नवीन योजना इंडिया इसराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट प्रारंभ करने का एक प्रस्ताव है और साथ साथ अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर जो 26 क्रिटिकल विकास खंड थे उन विकास खंडों के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के एक बजट का प्रावधान इसमें किया है। वाराणसी में रोपवे के लिए बजट का प्रस्ताव है। कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए व्यवस्था की जा रही है और मेट्रो प्रदेश के अंदर गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, अन्य जो शहर हैं इन सब में भी एक वित्तीय प्रस्ताव किया गया है मेट्रो के लिए। प्रदेश के अंदर एक नई योजना और शहरी क्षेत्र में विकसित की जा रही है, वह है मुख्यमंत्री शहरी नई यानी न्यू सिटी प्रोत्साहन योजना। यह योजना इसमें 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई की जा रही है, जिसके माध्यम से न्यू सिटी के निर्माण के लिए भूमि को प्राप्त करने के दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उसके अनुरूप इसको आगे बढ़ाने के लिए न्यू सिटी के निर्माण के लिए भी एक प्रोत्साहन राशि इसके माध्यम से हम लोग देने जा रहे हैं, जिसमें 50% प्रोत्साहन राज्य सरकार देगी और 50% संबंधित अथॉरिटी ऋणों के माध्यम से अपने स्रोत से वहन करेगी। ये कार्यक्रम हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर
बाढ़ नियंत्रण के स्थायी समाधान के लिए भी, प्रदेश में नए नलकूपों के निर्माण के लिए भी, और प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पिछले 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाओं को तेजी के साथ समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई थी। इस बजट में मध्य गंगा नहर परियोजना के साथ साथ अन्य जो लंबित परियोजनाएं थी, जो वर्षों से दशकों से चल रही थी, उन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक बड़ी कार्य योजना को इसके साथ अपने साथ यहाँ पर जोड़ा है और उन कार्यक्रमों को भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में जितने भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के साथ ही प्रदेश के अंदर जहां पे जो लोग उससे आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं और वास्तव में नीडी हैं, उन लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें लाभान्वित करने के लिए भी 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इसमें किया गया है। प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत भी 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पे राज्य कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में जो मैंने पहले ही बताया था, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान इस उसमें किया गया है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां पे नर्सिंग और पैरामेडिकल के कॉलेज नहीं स्थापित हो पाए हैं, वहां पर इनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। प्रदेश के अंदर मिलावट को से बचाव करने के लिए प्रदेश के अंदर खासतौर पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग में के माध्यम से हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग एक उच्च स्तरीय लैब की स्थापना कर सकें, इस बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए हर एक कमिश्नरी के स्तर पर एक उच्च स्तरीय लैब की व्यवस्था के साथ साथ प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छे करियर के लिए और उनको जॉब मिल सके, इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ प्रदेश सरकार पहले ही कार्य कर रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ प्रदेश ने 150 से अधिक ITI को उनके साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम का प्रावधान इसमें किया है, जिसमें बहुत शीघ्र टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हमारा इसके साथ MOU होगा, जिससे आने वाले समय में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के युवा इसमें प्रशिक्षित हो पाएंगे। युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के तहत मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप की स्कीम प्रदेश के अंदर लागू की गई है, जिसमें एक प्रस्ताव हम लोगों ने इसके साथ की है कि जिस किसी भी ऐसे उद्यम में जहां उत्तर प्रदेश का युवा किसी अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जुड़ता है, तो उसमें एक निश्चित अवधि के तहत वह युवा वहां प्रशिक्षण लेगा, आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी, आधा सरकार उसको देगी, और उसके पास एक अनुभव भी होगा। ये व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू की जा रही है, 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। मैंने पहले आपको इस बात के बारे में बताया था, उच्च शिक्षा में मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 50-50-50 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने प्रस्तावित की है। ताकि प्रत्येक स्तर पर यानी ग्राम पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में CM अप्रेंटिसशिप की स्कीम, सर्टिफिकेट डिप्लोमा और टेक्निकल कोर्सेज करने वाले बच्चों के लिए तो थी, लेकिन सामान्य स्नातक या डिप्लोमाधारी जो बच्चे थे उनको ये सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस बार हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की एक व्यवस्था मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत की है, जिसमें BA, BCom, BSc करने वाले छात्र भी इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं और उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो।
इसके बारे में प्रदेश के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो, यह भी हम लोग इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो पीएम श्री योजना लागू की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके लिए भी इसके क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना ये व्यापक स्तर पर हो, इसके लिए इसका प्रावधान भी। शिक्षा के क्षेत्र में जो अनेक प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ऑपरेशन कायाकल्प को और उसके दायरे को बढ़ाने के लिए हो, या फिर राजकीय महाविद्यालय या सहायता प्राप्त जो अशासकीय इंटर कॉलेजेस थे, इनके जर्जर भवनों के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। संस्कृत विद्यालयों, जो संस्कृत विद्यालय थे, जर्जर स्थिति में हैं, 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है और संस्कृत विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप की स्कीम भी हम लोग इस बार लेके आने वाले हैं, जिसके माध्यम से उन छात्रों को लॉजिंग फूडिंग की कोई समस्या न होने पाए, उसके लिए स्कॉलरशिप राज्य सरकार उन्हें देगी। इसके बारे में भी हम लोग इस बजट में हम लोगों ने इसका प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर जो अन्य वह हैं, खासतौर पर 2025 में प्रयागराज का कुंभ है, तो प्रयागराज कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए का व्यवस्था अभी से वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है। इसके अलावा नगर निकायों में कान्हा उपवन के लिए, जहां पे जो निराश्रित गोवंश है उनके आश्रय स्थल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया, इसके अतिरिक्त प्रस्ताव किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में अमृत 2 की स्कीम, जिसमें सीवर पेयजल की स्कीम, प्रदेश के अंदर हमारी 60 सिटी इससे आच्छादित है, उन सबके अलावा अन्य बड़े नगर निकायों को भी इसके साथ जोड़ने के लिए इस बजट में 5,616 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उन सभी शहरों में सीवर की ड्रेनेज की व्यवस्था बेहतर की जा सके, इसके लिए इसमें व्यवस्था की जा रही है। और साथ साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, एक एस्पिरेशनल विकास खंड, विकास की प्रक्रिया में जो विकास खंड पिछड़ गए थे, ऐसे 100 विकास खंडों पर प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है उनके लिए भी, और 100 नगर निकायों को प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के अंदर नगर निकायों का दायरा बढ़ा है। आज 762 नगर निकाय यूपी के अंदर हैं। इनमें से बहुत सारे नगर निकाय ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी उनके पास है, उनके लिए 100 ऐसे नगर निकायों को हम लोगों ने आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत उनकी चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके उनके कन्वर्जन के माध्यम से उनके विकास, उन्हें सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने की एक बड़ी योजना को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, और इन सभी नगर निकायों में एक एक सीएम फेलो की भी तैनाती करेंगे, जो इन सभी नगर निकायों के व्यवस्थित और बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में योगदान देंगे। ये बुनियादी सुविधाएं वहां पे निवास करने वाले नागरिकों को भी उपलब्ध हो पाएंगे। प्रदेश में सर्विस सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, और खासतौर पर पर्यटन क्षेत्र में स्पिरिचुअल जो टूरिज्म है उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पूंजी है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, पर्यटन योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बार फिर से हम लोगों ने इसमें की है। सहारनपुर के साकंबरी देवी मंदिर के समय की मंदिर में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए यहां पर इसमें व्यवस्था की है। युवाओं के विशेष प्रशिक्षण, गाइड का प्रशिक्षण दिया जाना हो, अन्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए भी यहां पर इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। इको टूरिज्म लखनऊ के लिए भी इस बजट में प्रस्ताव किया गया है। बुंदेलखंड में टूरिज्म के पार संभावनाएं हैं, वहां के किलों को टूरिज्म सर्किट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए और वहां पर पर्यटन की अन्य संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बौद्ध परिपथ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अत्यंत समृद्धशाली है, इसके लिए भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बजट में इसका व्यवस्था की है। सुख तीर्थ के डेवलपमेंट के लिए जो मुजफ्फरनगर में है, उसके लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं।
निमिसारण्य तीर्थ के विकास के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, और प्रयागराज में आगामी कुंभ को ध्यान में रख करके वहाँ के समेकित विकास के लिए भी एक बजट में प्रावधान किया जा रहा है प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर एक फैमिली आईडी कार्ड लागू करने की व्यवस्था, यह इस बजट में उसका प्रावधान किया जा रहा है, और एक व्यवस्था की जा रही है कि हर परिवार के पास अपना एक फैमिली कार्ड होगा। किन योजनाओं का लाभ उस परिवार को प्राप्त हो रहा है और किन योजनाओं से परिवार अभी वंचित है, फिर 100% सिचुएशन की तरफ उन परिवारों को बढ़ाना, इस फैमिली आई कार्ड योजना को भी हम प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए 950 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया जा रहा है, साथ साथ खेल के विभिन्न प्रकार के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था, पूर्व खिलाड़ियों और पहलवानों को आर्थिक सहायता के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, और वाराणसी और मेरठ में शूटिंग रेंज की स्थापना के लिए भी, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की जा रही है, और पहली बार प्रदेश में व्यवस्था की जा रही है कि निजी जो खेल अकादमी है सरकार उनको भी प्रोत्साहित करेगी, इसका प्रावधान भी हम लोगों ने बजट में किया है। मैनपुरी को मुख्य पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए वहां एक संग्रहालय का प्रावधान हम बजट में करने जा रहे हैं। आजमगढ़ के हरिहरपुर में, हरिहरपुर आजमगढ़ का एक ऐसा गांव है जहां पे कला की सभी प्रकार की विधाओं को प्रोत्साहन मिला है और लंबे समय से मिला है, गायन वादन और नृत्य तीनों प्रकार की विधाएं, इस गांव में एक संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी के प्रेक्षागृह के नवीनीकरण के लिए भी, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों और जो पुरातन स्थल हैं उनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई, और शहीद स्मारकों के निर्माण के लिए भी प्रदेश में इस बजट में हम लोगों ने प्रस्ताव किया है। प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए, मिर्जापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खो मंदिर के परिक्रमा पथ के विकास के लिए भी यहाँ पर बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। सीतापुर में नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान केंद्र के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको सेकेंड फेज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, और अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इस बजट में अलग से व्यवस्था की गई है। यह एक ये कार्यक्रम सभी हम लोगों ने किए हैं। प्रदेश के अंदर इस बार के वर्षा काल में फिर से हम 35 करोड़ वृक्षारोपण प्रदेश के अंदर करके अगले कुछ वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर वन आच्छादन को 15% तक पहुंचाने के बड़े लक्ष्य के साथ काम करने हैं। कुकरेल में एक नाइट सफारी, लखनऊ में कुकरेल में नाइट सफारी की स्थापना होगी, इसके लिए बजट में इसका प्रावधान किया गया है। ये प्रदेश का पहला नाइट सफारी होगा और यह एक बड़ी पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने प्रोत्साहन करने के लिए इसमें बड़ा कार्य इसके माध्यम से होगा। बाकी प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इन सभी महिला कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं के साथ साथ पिछड़ा वर्ग की निर्धन बालिकाओं की शादी के लिए अनुदान की राशि के लिए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समूह में कार्य करने वाली बहनों के लिए भी गैप फंडिंग के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बीमा आच्छादन के लिए भी ये पहली बार ये स्कीम दी जा रही है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, और 3 महिला पीएससी बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस बजट में इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं में अनेक इस कार्यक्रम में इसको आगे बढ़ाया है। खासतौर पर समाज कल्याण विभाग में अगर आप देखेंगे तो 12,648 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव
इस मद में रखा गया है दिव्यांग जन कल्याण के लिए 1552 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव इसमें किया गया है। प्रदेश के अंदर बाकी अन्य तमाम योजनाएं इसके साथ आई हैं। रोजगार में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंदर 150 करोड़ रुपए का, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 112 करोड़ रुपए का जो एमएसएमई सेक्टर का एक प्रस्ताव है उसको भी इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को राज्य सरकार ने अभी लगभग एक वर्ष पहले ही उसमें बढ़ोतरी की है, 500 से 1000 रुपया किया है। कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को 3000 रुपये प्रतिमाह किया है। प्रदेश के अंदर एक नई योजना हम लोग इस बार करने जा रहे हैं और वह है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को, जो प्रदेश के अंदर 1,74,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें दीपावली और होली पे उज्ज्वला योजना का एक एक एलपीजी का सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और यह व्यवस्था इसका लिए धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने 3,047,48,00,000 रुपए की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहाँ पर की है। प्रदेश के अंदर गृह विभाग से जुड़े हुए तमाम अन्य मदाएं हैं जिसमें पुलिस कार्मिकों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण योजना पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरदेव अटल जी के नाम पर जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, कोरोना कालखंड में अनाथ हुए बच्चे हैं, उनके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय, अत्याधुनिक सुविधा से युक्त 18 अटल आवासीय विद्यालय का संचालन हम लोग इस वर्ष जुलाई से करने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बार के बजट में की है और प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना और उसके उस वह फंक्शनल हो, उसमें पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो, वह भी आज इस बार के बजट में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। मित्रों, पिछले 6 वर्ष के अंदर अगर आप देखेंगे 16-17 में जहां प्रदेश के बजट का दायरा मात्र 3,40,000 करोड़ रुपए का था, इस बार यह बढ़ करके 6,90,000 करोड़ रुपए से आगे बढ़ चुका है, यानी दोगुने से अधिक बढ़ा है। यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विस्तार को दिखाता है, उत्तर प्रदेश के अनुरूप उत्तर प्रदेश के बजट को प्रस्तुत करता है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने को उस प्रकार की सुविधाओं से युक्त सभी प्रकार की सुविधाओं को हम दे सके, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा उत्तर प्रदेश में है और टीम उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है। आज का ये बजट उत्तर प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के साथ ही एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को रखने वाला एक बजट है। मेरा विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को आगे बढ़ाते हुए यह बजट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करने वाला होगा और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को एक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं इस बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए, सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई देता हूँ, उत्तर प्रदेश के नागरिकों का अभिनंदन करता हूँ कि उनका जो अब तक सहयोग प्राप्त हुआ है पिछले 6 वर्ष के अंदर एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है कि हर बजट में हमने हर तबके के लोगों को, गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है तो वह इस बजट में भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से झलकते हुए दिखाई दे रहा होगा। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी हमने बजट में प्रावधान किए हैं एक समयबद्ध तरीके से उसे लागू करने और उसको आगे बढ़ाने में हम सक्षम होंगे,
इस बजट में आपने देखा होगा, मैंने कुछ चीजों का उल्लेख जानबूझ के नहीं किया है कि जो हमने 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज की बनाई है, जिसके अंतर्गत हमें अभी हाल ही में संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन सभी प्रस्तावों से संबंधित सभी संबंधित सेक्टोरियल पॉलिसीज में इंसेंटिव की व्यवस्था भी हम लोगों ने अभी से प्रारंभ कर दी है। यद्यपि कोई भी उद्यम लगने और फिर प्रोडक्शन प्रारंभ होने पर ही इंसेंटिव का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन हमने उसके लिए भी व्यवस्था की है। कुछ कार्यक्रम ऐसे होंगे जो शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ मीडियम के होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के होंगे, लेकिन उन सब के लिए भी हम लोगों ने प्रोत्साहन की राशि इसके साथ जोड़ी हुई है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से इस एक समग्र विकास, समावेशी विकास की सोच और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की उत्तर प्रदेश की इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपनी पूरी टीम के सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इस बजट के लिए हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि यह बजट उत्तर प्रदेश के युवाओं को, अन्नदाता किसानों को, मातृशक्ति को और समाज के प्रत्येक तबके को एक नया संबल प्रदान करने में अपना योगदान देगा। धन्यवाद। आपकी सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल, मुख्यमंत्री जी इधर देखिए, ये कौन है मुख्यमंत्री? एक मिनट आप बैठिए, प्लीज बैठिए सर। आपकी अनुमति प्रश्न ले लें सर। मैं आपसे आना चाहता हूँ, ये देखिए कौन है। आप एक आना स्टेडियम में गए थे, ये व्यक्ति कौन है घेरे में जो की सुरक्षा व्यवस्था को? धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? नेहा लाल चंदानी, टाइम्स ऑफ इंडिया से। एक मिनट बैठ जाइए, अरे पत्रकारों के अनुरोध पे प्रश्न पूछा जा रहा, बैठ जाइए। नेहा पत्रकार, आप बैठिए। पत्रकार जो है, पत्रकार भी इसी व्यवस्था के हिस्से हैं, पत्रकार भी इसी व्यवस्था के हिस्से होगी। और उस नेहा एक मिनट बैठ जाइए, अब होने के साथ पुलिस यूपी इसको बैठ जाए, आप बैठ जाए, बैठ जाए, आप बैठ जाए, बैठ जाए। आप देखिए इसको, आपके आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया से आपको धन्यवाद। एक मिनट, टाइम्स ऑफ इंडिया से नेहा लाल चंदानी, आपके सद्भावना के लिए आपको बहुत धन्यवाद। ये देखिए आप जरा, नेहा अपना सवाल पूछिए, ये कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। यहाँ कोई अमाउंट नहीं बची हुई है। देखिए, जो भी प्रदेश के अंदर जो 2018 में पहला हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था, इसके अलावा 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की, और उसके अतिरिक्त भी समय समय पर प्रदेश के अंदर यहाँ पर निवेश जमीनी धरातल पर उतरा। प्रोडक्शन प्रारंभ होने के बाद जिन भी उद्यमियों ने आवेदन किया है, पॉलिसी के दायरे में जिनको लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए थे, उन्हें उनकी इंसेंटिव की राशि मिल रही है। और इस बार किसी भी उद्यमी को उद्यम लगाने के लिए या फिर MOU साइन करने के लिए या उद्यम लगाने के लिए इंसेंटिव के लिए इन्वेस्ट यूपी के पास न जाना पड़े या किसी विभाग के पास न जाना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने 3 प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करा दी है। इसलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन इंसेंटिव जो मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोगों का यहाँ पर चालू हो चुका है, वह अब किसी भी उद्यमी को इधर उधर जाने की अवसर ही नहीं देगा, स्वयं ही सब ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई देगा। राजीव दीक्षित जी, दैनिक जागरण से। प्रावधान है सभी, देखिए सभी प्रकार की पॉलिसी के लिए जो भी, देखिए हमारा भी ये है कि अगले
छह महीने के अंदर हम लोगों का एक प्रस्ताव है कि अभी हम लोग छह महीने के अंदर पहला ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब एक बड़ा शिलान्यास का कार्यक्रम। लगभग हमारा 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव रखा है कि इतने लाख के प्रस्तावों को हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे। तो 5 से 7 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव अगर जमीनी धरातल पर उतर रहे हैं तो इसका मतलब उनके प्रोडक्शन को आने में 1 साल का समय लग जाएगा। लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर उससे पहले भी कोई आता है, हर एक पॉलिसी बजट के पूरे भाषण को आप देखेंगे तो उसमें सब हर पॉलिसीज के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था भी उसके साथ जुड़ी गई है। अमर उजाला से सचिन जी पूछिए। देखिए, युवाओं के लिए एक उन्हें तकनीकी दृष्टि से समर्थ और सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 3600 करोड़ रुपए टैबलेट और स्मार्टफोन पे हम दे रहे हैं। सीएम इंटर्नशिप स्कीम की दायरे को बढ़ाया गया है। अब तक केवल तकनीकी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक ITI या फिर डिग्री धारी BTech या BE जो छात्र होते थे, MTech होते थे, वही इसके दायरे में आते थे। इस बार BA, BSc, BPharm के छात्रों को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। तो एक इसमें आधा पैसा इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी, इसको भी हम इसके साथ जोड़े हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने अभ्युदय योजना युवाओं के लिए ही यहाँ पे जारी की थी। इसके अलावा जो ये विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, अच्छी उत्तम शिक्षा के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ साथ राज्य विश्वविद्यालय भी, आपने देखा होगा गोरखपुर और लखनऊ विश्वविद्यालय को नेक की जो मूल्यांकन हुआ था उसमें ये +++ का उनका मूल्यांकन हुआ। इससे पहले यहाँ पे अभी KGMU और गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय को ये +++ का मिला। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद तकनीकी और कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, इसको नेक का एक ग्रेड प्राप्त हुआ है। तमाम प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी अच्छे A+ के ग्रेड मिले हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा, अच्छी स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम, जो हम 150 ITI को टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। PM स्किल मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम कौशल विकास के प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, ये सभी युवाओं के लिए समर्पित है और अपने युवाओं को ही तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए आगे बढ़ाने की एक योजना का हिस्सा है। सेकंड लास्ट एक मिनट सचिन जी, नो सप्लीमेंट इज प्लीज। आनंद त्रिपाठी जी, नवभारत टाइम्स से। देखिए, हमने बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हम चित्रकूट तक लेके जा रहे हैं और डिफेंस कॉरिडोर और एक औद्योगिक क्लस्टर भी हम उसके साथ विकसित करने जा रहे हैं। दूसरा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, अभी तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में झांसी मुख्यालय छोटा हुआ था और हमारा डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड वहां पर है, तो इसको हम इसके लिए भी हम लोगों ने दोनों व्यवस्थाएं इस पर की हैं। औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की कार्रवाई भी बुंदेलखंड में 2 और पूर्वांचल में 4 जगह हम इसके लिए व्यवस्था कर, इसका प्रावधान हमने बजट में किया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बन रहा है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी से चल रही है और मेरा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में जो है, जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा, इसमें वह कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूर्वांचल में और बुंदेलखंड के विकास में लोगों की रुचि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि हमेशा ये 2 क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि क्षेत्रीय असंतुलन के शिकार होते थे और हमेशा शिकायत करते थे कि साहब विकास हमारा नहीं हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा कि 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पूर्वांचल के लिए आए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आए हैं और 4,29,000 करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं बुंदेलखंड के लिए प्राप्त हुए हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड ये बुंदेलखंड में झांसी और चित्रकूट में विकसित होने जा रहा है। वहां पे आज के दिन पर अगर आप देखेंगे कि जो सिंचाई की सुविधाएं विकसित हुई हैं, देखिए अर्जुन सहायक का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अर्जुन सहायक परियोजना लागू होने के पहले
महोबा बांदा आदि क्षेत्रों में 500 रुपए पर बीघा खेती किराए पे उठती थी। अर्जुन सहायक परियोजना लागू होने के बाद वही खेती 5 से 6 हजार रुपए बीघा जा रही है, 10 टाइम्स इनकम बढ़ी है किसान की। इसी प्रकार से वहां पर पेयजल की सुविधा, कोई बुंदेलखंड की सबसे बड़ी क्राइसिस क्या थी, पेयजल नहीं थी, तो था ही नहीं वहां, लोगों को दो दो चार पांच पांच किलोमीटर दूर तक सिर में गगरी ले जाकर के पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। देखिए बुंदेलखंड में पानी का कब अभाव नहीं था, हाँ ग्राउंड वाटर भले ही कम रहा होगा लेकिन सरफेस वाटर पर्याप्त था, लेकिन वाटर का नियोजन नहीं था। पहली बार हो रहा है जब वाटर का उचित नियोजन करते हुए हर घर नल योजना, और हमारा प्रयास है कि मार्च 2023 तक हम ज्यादातर गांवों के हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य कर देंगे, तो औद्योगिक विकास एग्रीकल्चर के फील्ड में कई गुना उनकी जो विकास की दर है, और वहां पर हर घर नल योजना के साथ साथ जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, कोई सोचता था कि चित्रकूट में एयरपोर्ट आएगा, कोई सोचता था ललितपुर में एयरपोर्ट आएगा, कोई सोचता था सोनभद्र में एयरपोर्ट बनेगा, कोई सोचता था आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी और आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण होगा, आज ये सब संभव हुआ है। तो ये इसीलिए क्योंकि इस प्रकार की योजना, जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हरेक क्षेत्र को हरेक जनपद को दिया जाता है तो उसका लाभ उसी प्रकार से प्राप्त भी होता है। आपने देखा होगा निवेश पहली बार प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हुआ है। आप सोचिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हमारा चंदौली, चंदौली तो वाराणसी के बगल में तब भी है, लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती, बलरामपुर, अगर आप देखेंगे देश के अंदर सबसे अधिक आय वाला जनपद है पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे देश के अंदर, और नोएडा है, लेकिन सबसे कम आय है वो बलरामपुर की है, लेकिन बलरामपुर में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, श्रावस्ती में प्राप्त हुए हैं, फतेहपुर में प्राप्त हुए हैं, चंदौली में प्राप्त हुए हैं, चित्रकूट में प्राप्त हुए हैं, सोनभद्र में बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। कोई सोचता था 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव आएंगे, इस बार मिले हैं। ये दिखाता है, गुड साइन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति हुई है, आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और उसी को पुशअप करने के लिए और बजट एक संबल के रूप में आज प्रस्तुत किया गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हम आखिरी सवाल लेंगे, अगर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं हिंदुस्तान से, यहाँ साल भर में कितने युवाओं को रोजगार इससे मिलेगा ये बताएंगे आप? देखिए अभी अभी यार एक मिनट शैलेंद्र जी को, शैलेंद्र को उसमें देखिए पिछले 5 वर्ष के दौरान, यानी अब 6 वर्ष होने जा रहे हैं, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर जो हमारा मर चुका था इसमें उन्हें नौकरी और रोजगार की सुविधा दी, प्रदेश के उद्यमियों को बैंकों के साथ जोड़ करके 60,00,000 ऐसे लोगों को हम लोगों ने बैंकों के साथ जोड़ा जिसने यूपी के सीडी रेशो को बढ़ाया। अगर आप देखेंगे कि 16-17 में उत्तर प्रदेश का जो क्रेडिट डेबिट रेशो था सीडी रेशो वह मात्र 46% था, आज बढ़ के लगभग 55% जा रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में है, और उत्तर प्रदेश ने अगले 5 वर्ष के लिए अपना जो दायरा तय किया है कि हम प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ेंगे, ये निवेश, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, एमएसएमई सेक्टर का विस्तार, विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं, और प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई योजनाएं, ये सभी कार्यक्रम जो हमारे चल रहे हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में जो संभावनाएं हैं, इसमें ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए जो एफपीओस का गठन होना, एग्री स्टार्टअप की स्थापना करना, ये सभी चीजों को हम इसीलिए आगे बढ़ा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक रोजगार कर पाएंगे, और इसमें मेरा अनुमान है कि 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद दोनों माननीय उपमुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का, सभी सम्मानित अधिकारियों का, सभी हमारे पत्रकार साथियों का, आप सभी लोग लंच के लिए आमंत्रित हैं, धन्यवाद।